अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली। दोस्तों यहां पर विगोटेल ने बजट सेगमेंट में न्यू एंट्री मारने की कोशिश की है। 18,500 की प्राइस में लॉन्च कर दिया है विगोटेल का स्मार्ट 8, जो कि 4GB 64GB में लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों यहां पर विगोटेल स्मार्ट 8 जो है वाकई एक बजट कैटेगरी में एक अच्छा फोन है या नहीं, यहां पर आपको विगोटेल का नोट 23 नोट 24 तो काफी जबरदस्त देखने को मिले आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से। लेकिन यहां पर बजट में भी इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इस फोन के जरिए जो है बजट में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, सारा कुछ देखते हैं। तो टाइम को जाया नहीं करते, यहां पर स्मार्ट 8 का डब्बा देखिए आप, विगोटेल का स्मार्ट 8, और सामने की तरफ डिजाइन को मेंशन किया गया है, टेक्सचर देख सकते हैं। 4GB 64GB है ये फोन, RGB के एक्सटेंडेड लिखा हुआ है लेकिन एक्सटेंडेड नहीं है, 12 मंथ की वारंटी, बैक साइड से सारा कुछ फोन के बारे में सारी हाइलाइटिंग पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको आगे चल के हम बता देते हैं की फीचर्स हैं ये। और इसके अलावा कलर हमें जो मिलता है वो यहाँ पर जो है वो कॉपर कलर मिलेगा, साइबर कॉपर कलर। जैसे डब्बे को ओपन करते हैं सामने की तरफ फोन है, फोन की बाद में बात करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको सेमी जेंडर टूल मिल जाता है, और इसके बाद एक आपको सॉफ्ट केस मिल जाता है, वारंटी कार्ड मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस वगैरह मिल जाती हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिलती है, एक हेडफोन भी मिल जाता है, खुशकिस्मती है आपकी। और उसके साथ चार्जर 10 वोल्ट का आपको स्लो चार्जर देखने को मिलेगा, फास्ट नहीं है। जैसे जैसे ही फ़ोन की तरफ आते हैं तो फ़ोन का जो लुक है दोस्तों वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा लुक के हिसाब से थोड़ा कॉपी करने की कोशिश की है नूबिया न्यो 2 की, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइनिंग कुछ वैसी की दी गई है दोस्तों, आप देखते हैं साइड से टेक्स्चर वगैरह जो है न्यो 2 की तरह दिया गया है, कुछ गेमिंग लुक बनाने की कोशिश की है। लेकिन अंदर पल्ले कुछ भी ना हो, डिज़ाइन पर ये जोर दे रही हैं सारी कंपनीज। यहाँ पर बैक साइड दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, है ग्लॉसी लेकिन ये आपको अच्छा खासा ठीक ठाक डिज़ाइन देखने को मिलता है कैमरा मॉड्यूल के हवाले से और बैक साइड से भी। इसके अलावा आप देखें तो आपको यहाँ पर राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक वाला बटन मिल जाता है, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स मिल जाते हैं अप एंड डाउन, और इसके साथ अगर देखें अप साइड पर बिल्कुल खाली, और उसके बाद लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे जो है वो 3 स्लॉट वाली, यहाँ पर डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक फर्स्ट माइक मिलता है, चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली, और आपको एक ही स्पीकर देखने को मिलता है जो कि आगे चल के हम टेस्ट करके भी बताएंगे आपको। यहाँ पर सामने की तरफ फ्रंट में आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो आपको नॉच वाला, बड़े बड़े बेजल्स वाला दोस्तों, 20 मरले की नॉच, और यहाँ पर बेजल्स जो है वो कम से कम 30 से 40 मरले के दिए गए, और जो चिन जो है इसकी 50 मरले की दे दी गई है दोस्तों। और इसके साथ अगर देखिए यहाँ पर डिस्प्ले का जो मैशअप है दोस्तों, थोड़ा डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत थी, बट यहाँ पर आपको एक IPS पैनल मिलता है 6.74 इंचज़ का, यहाँ पर 7.45 इंचज़ का, एक HD प्लस आपको 720p वाला डिस्प्ले मिलता है। रिफ्रेश रेट को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, तो 60Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। यहाँ पर 200 वाटर ड्रॉप स्क्रीन है, तो आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करेगा। अगर आप रंगीनियाँ देखें इस फ़ोन की, ब्राइटनेस वैसे काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की, ठीक दी गई है ब्राइटनेस के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा है ब्राइटनेस इसमें जो है वो, तेज़ ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है कि फुल आप टू ब्राइट भी कर सकते हैं इसे, लेकिन उससे क्या है बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी और ज़्यादा हीटअप भी हो सकता है फ़ोन। लेकिन आपको ये फ़ोन यूज़ करने में दोस्तों जो है वो काफ़ी तंग करेगा, कहीं कहीं पर दोस्तों लैग की प्रॉब्लम आपको मिलेगी, हैंग होगा ये फ़ोन 18,500 की प्राइस में, ये आपको गुजारा करना पड़ेगा। बट यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसर अच्छा लगा देते तो ज़्यादा बेहतर था दोस्तों। यहाँ पर आपको स्लो फ़ोन की जो है वो सामना करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग वगैरह करेंगे तो आपको मसले मसाले आएंगे दोस्तों, ये नॉर्मल यूज़ करने में भी स्लो था। यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया गया है वो यूनिसोक की तरफ से 9863A, जी हाँ, ये बहुत 28nm वाला पुराना प्रोसेसर है, बहुत दोस्तों यहाँ पर हीटअप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये हीटअप हो सकता है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वगैरह तो अच्छी नहीं देने वाला, गेमिंग का तो आप सोचिए भी मत, बट आपको नॉर्मल यूजेज में भी ये तंग करेगा, बट आपको गुजारा करना है, बस डिजाइन को देखकर आपने बाकी सारी चीजों को छुपा देना है भाई। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 14 के साथ मिलता है, और यहाँ पर
ये डीडो ओएस दिया गया है जो कि नया इन्होंने लॉन्च किया है विगोटेल ने। यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की गई हैं, फोल्डर्स वगैरह में कुछ न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। फोल्डर्स वगैरह आइकन्स वगैरह में थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो आपको नज़र आएगी दोस्तों, अंदर सेटिंग्स में भी। और इसके साथ अगर देखिए यहाँ पर कंट्रोल पैनल में ऑप्शन वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सुपर स्क्रीनशॉट वगैरह, ये दूसरे तीसरे एक्स्ट्रा डिम, कलर इन्वर्शन और लाइव कैप्शन वगैरह, एंटी पीपिंग, ये काफ़ी बेड टाइम मोड वगैरह, ये ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो कि बहुत फास्ट नहीं गुजारा कह सकते हैं, ठीक है। और फेस आईडी देखिए, फेस आईडी में टाइम लेगा, स्लो है फेस आईडी, काफ़ी स्लो कह सकते हैं। इस फ़ोन में आपको यहाँ पर चार्जिंग जो 10 वॉट की मिलती है और बैक साइड से जो बैटरी लगाई गई है दोस्तों वो 5000 एमएच की आपको इस फ़ोन में मिलती है, जो कि बैटरी टाइमिंग अगर फ़ोन हीटअप होता है तो फिर कम ही टाइम निकालेगी, अदरवाइज़ आपका एक दिन आराम से निकल सकता है 5000 एमएच बैटरी के साथ। और इस फ़ोन के बैक साइड से आपको जो कैमराज देखने को मिलते हैं वो आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। डिज़ाइनिंग तो यहाँ पर तीन कैमराज की गई है, मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा फोन में ओनली 5 मेगापिक्सल का लगाया गया है। यहां पर ऑप्शंस देखिए कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, मोर में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यूएलई जो होते हैं फोन में, प्रो मोड वगैरह ये वो, बाकी स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं है। और वीडियो आप 1080p 30fps में ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नाइट मोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो लेने के बाद आपको रिजल्ट नॉर्मल देखने को मिलेगा। यहाँ पर 18,500 की प्राइस में हमने सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा लिए दोस्तों, लेकिन इस प्राइस में आपको जो है वो रिजल्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आपको मैं मिक्सअप करके दिखा रहा हूँ, डे एंड नाइट के कुछ सैंपल्स, मतलब कि रूम लाइट के, लाइटिंग कंडीशन में, आउटडोर में सैंपल्स काफ़ी देख सकते हैं। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल, मुझे तो गुजारा ही देखने को मिला 18,500 की प्राइस में विगोटेल से, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि नोट 23 में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। यहाँ पर तो ये 18,500 वाला फ़ोन है तो सेंसर्स बिल्कुल हल्के लगाए गए हैं, नॉर्मल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कुछ वीडियो सैंपल्स भी आपके सामने हम रख रहे हैं दोस्तों, वो भी आपको मदद करेंगे इस फ़ोन के कैमरा को जांचने के लिए कि कैमरा कितना अच्छा है दोस्तों। तो वीडियो सैंपल्स वगैरह और यहाँ पर फोटो सैंपल्स वगैरह देखने के बाद आप ज़रूर हमें बताइए कि कैसा कैमरा लगा आपको। तो 18,500 की प्राइस में प्रोसेसर तो लो है इस फ़ोन का, जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल लो है, कैमरा भी गुजारा आप कह सकते हैं, बाकी डिज़ाइन के हवाले से आप देख सकते हैं फ़ोन और डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी सी अच्छी है। बाकी बजट कैटेगरी में 4GB 64GB नई कंपनीज को ज़्यादा अच्छा ऑफर करना चाहिए, जैसे अब जो है वह स्पार्क्स भी ऑफर कर रही है और यहाँ पर विगोटेल के न्यू 22 4/128 जो है वो 64GB में भी कम प्राइस में भी थे, लेकिन इन्हें अब नई कंपनीज को जो है कंपटीशन क्रिएट करना चाहिए, कुछ कम प्राइस में स्पेसिफिकेशन भी अच्छी देनी चाहिए, कैमराज भी अच्छे देने चाहिए, ये मेरा थोड़ा सा मशवरा है दोस्तों। बाकी आपको कैसा लगा ये फ़ोन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।